हाजरा से तो वेस्ट ओवंडा जा रहे हैं, अभी यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका हजरत निजाम टीम पड़ता है, यही दिल्ली में दिखाएंगे तुम्हें वर्ल्ड, आप सबको दिल्ली में घुमाते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर करवाएंगे। धूप बड़ी गंदी हो रखी है, धूप के मारे गांड बड़ी पड़ी है, हमारे जेब कतरे लग रहे हैं हम। हाँ ये देखो शक्ल देखो मैंने अलग से, 12 बजे बादल बड़े कैड़े आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं शहर। वैसे तो आपकी टिकट यहाँ की 50 रुपये की है, अगर आप जाना चाहो, अगर आप संडे को अगर आप आते हो तो आपकी टिकट होगी 100 रुपये की। हमारे पास पैसा ज़्यादा है इस वजह से हम आ रहे हैं यहाँ, 100 रुपये फूकेंगे, 100 रुपये फूकेंगे 50 रुपये की टिकट के। फेस टू वंडरफुल, ये वेस्ट वंडरफुल। अंदर एंट्री हो चुकी है, अंदर एंट्री हो चुकी है, 200 रुपये फूक के दो बंदों की एंट्री हम खा गए। पर अभी हम लोग सजेस्ट यही करेंगे तुम संडे को मत आओ, वो हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि हम संडे को ही फ्री रहते हैं, हमारी जगह मिलेगी। अरे भाई आ रहे कह रहा उधर से है ना, हम तो अभी यहाँ देखते हैं सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, कभी जिंदगी में नहीं देखे, आज दिखाएंगे। ये जो सेवन वंडर्स है ये वेस्ट मटेरियल से बनाए गए, टोटली वेस्ट मटेरियल, जैसे लोहा, गाड़ी गाड़ी खराब हो जाती है उसका लोहा पिघला के शेप दी गई है। यहाँ माउंटेन वगैरह भी हैं, बाकी अभी आगे चलते हैं। भाई हमें जगह पता नहीं है, बंदे जगह पता नहीं है, आप लोंडे बता रहे हैं अलग अलग। बाकी फाउंटेन देखो, फाउंटेन मौसम एकदम कह रहा है, मौसम की वजह से ठंड बढ़ी पड़ी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये पिरामिड अभी दिखाते हैं इसको बैक कैमरा, ये पिरामिड इसके बारे में रुक जा। ये भाई यहाँ वेस्ट मटेरियल बना हुआ रियल ऐसा है, रियल की हाइट आपकी 24 फुट होती है, रियल बसेज ये, पर दिल्ली में कारीगरों की मेहरबानी ये है, ये कैड़ा बना लग तो चलो मेरा, पर वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, पूरा ही वेस्ट है। और इसके अंदर से मम्मी तो निकलती नहीं है, इसमें मम्मी तो निकलेगी नहीं। बस वो एंगल आते हैं ना, एंगल वगैरह यूज़ कर रखे हैं, सारा वेस्ट में टोटल है वेस्ट में, बोलते हैं पिरामिड ऑफ गीज़ा। और पहला वंडर ये था, अब दूसरा जाके देखते हैं क्या सीन है। वैसे हरियाली तो प्रॉपर है यहाँ, आपका आ गया दूसरा, दूसरा आ गया, इसे कहते हैं लीनिंग टावर, इसे बोलते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। इसकी हाइट होती है 39 फुट 10 फीट की, रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है। बाकी ये इसका मटेरियल यूज्ड है, मटेरियल यूज्ड आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, ये बाकी दिखता कुछ ऐसा है लंबा सा। अब आएगा आईफिल टावर, पेरिस वाला, पेरिस आएंगे, देखो 100 रुपये में पेरिस घूम लिया हम। ये है दूसरा, तीसरा भी तो भाई ये है द आईफिल टावर, तीसरा वंडर। अब इसकी हाइट होती है 70 फुट तक, और फ्लोर एरिया इसका 27x27 का, ट्रक पेट्रोल टैंक ये सब मटेरियल से यूज बना हुआ है, और ये कुछ ऐसा सीन है इसका कंस्ट्रक्शन। पेरिस फ्रांस में पड़ता है द आईफिल टावर। बाकी अब आया है कोलोजियम, कोलोजियम ये आपका स्पेन में नहीं रोम में पड़ता है, ये कुछ ये आपकी इसकी हाइट पड़ती है 16 फुट 5 इंच। वैसे तो इसकी रियलिटी में तो बहुत ज़्यादा है, रियलिटी में हाइट इसकी थोड़ी है मेरे हिसाब से ज़्यादा है, पर ये आपका इटली रोम में पड़ता है। ये कुछ इसका साइड से टूर देते हैं एक बार, ये बना कुछ
तगड़ा बना रखा है एकदम। तो दोनों अभी आपको दिखाया था कोलोसियम। अब आपको दिखाएंगे हमारे इंडिया का ताज महल। चलो, सही नहीं दिख रहा थोड़ा ना, काला काला सा दिख रहा। ये है कुछ लॉन्ड ऑफ ताज महल। अगर कुछ काला दिख रहा हो तो उसके लिए माफी। वाइट से काला हो गया, वाइट से काला हो गया। धूप है ना, धूप ज्यादा है यार। बस अभी यही बात है। वो भाई खड़ा है वहाँ पे। जहाँ को रिस्पेक्ट देते भाई। ये हम अपना हाथ एक बार ऐसे दिखा देंगे। हाँ भाई, काट दिया बहन के लड़ने। पर रिस्पेक्ट है भाई, कुछ तो है। पर वही बात है, पांच वाले क्या कहते हैं वो वाइड वाला जो होता है, क्रिकेट मीम में भी आपने देखा होगा। सीधा सीन है इसका कुछ। ये है भैया रियो रेडमीर। ये रियो में, ब्राजील में सिचुएटेड है, रियो डी जेनेरियो में। और ओरिजिनल ये है, डिटो पेंडिंग है। बाकी चिड़ियों की आवाज़, हरियाली बहुत है ना इसलिए यहाँ चिड़ियों की आवाज़ ही बहुत दिखेगी आपको, है नहीं? क्या आ गया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बेसिकली आपका US न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, ऐसा है। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए इसकी तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे है बना तो डिटो रखा पूरा। मन तो कर रहा ठंडा पानी पिलाएगा। ये हमारे बंदर लटके हुए, ये बंदर लटके भाई। लाइट बगल वैसे बना तो अच्छा रखा है। फाउंटेन बिल्कुल, झरना वाटरफॉल। सातों के सातों दिखा दिए। अभी थोड़ा पार्क वगैरह और घूमते फिरते हैं। अगर कुछ और अच्छी चीज़ दिखती है तो अभी देखते हैं। ये यहाँ का कुछ कैफेटेरिया एरिया है। बाकी अगर ये कैंटीन भी है एक तरह से, पर हम इसे रेल बोलेंगे। आप इससे अमेरिका भी जा सकते हो, इससे आप सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी घूम सकते हो। अंदर बहुत कुछ है। जैगवार बैठा अंदर। कैफेटेरिया एरिया कुछ यहाँ का ऐसा दिखता है। अगर यहाँ रीजनेबल रेट में अगर कुछ मिलता है तो अभी खाते पीते हैं। बाकी देख के आ रहे रेल, देखो कितनी तगड़ी लग रही है। ट्रेन खाली करते हैं, कुछ खाने पीने का सिस्टम देखते हैं यहाँ पे है क्या। अगर रीजनेबल रेट हुआ, अगर खाने पीने की चीज़ अगर अच्छी हुई तो जैसे बताएंगे आपको। चांस तो है कि महंगाई मिलेगा। वैसे महंगाई मिलेगा भाई, 100 रुपये ले रहे हैं। हाँ तो भाइयों, ये था वेस्ट वंडर पार्क। अच्छी जगह है, हरियाली भी बहुत अच्छी है। पर जिसको 15 मिनट के अंदर पूरा वेस्ट वंडर घूम लोगे, 15 मिनट के अंदर वर्ल्ड टूर कर लोगे सिर्फ 100 रुपये में, समझे। छोटी ही जगह है बस, ज़्यादा इतनी बड़ी है भी नहीं। 7 वंडर दिखाने के लिए परफेक्ट है। वैसे ब्लॉगिंग वगैरह आप यहाँ अच्छी, अगर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप आओ। बाकी चीज़ भी जगह अच्छी है, शांति है, हरियाली भी बहुत है। पर ये है कि अगर आप मंडे टू सैटरडे अगर आप आते हो तो आपकी टिकट कॉस्टिंग होगी 50 रुपये। हमने तो 200 रुपये फूक दिए, क्योंकि पैसा बहुत है अपने पास। संडे ही है भाई, मजबूरी भी तो है ना यार। अब जाकर जैसे भगवान ने चाही, अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखा दिया बढ़िया, फिर तो डेली लाइफ ब्लॉगिंग चलेगी। है नहीं बड़ा कितनी आगे तुम्हारे भाइयों का सारा हुआ है। बाकी ये वेस्ट वंडर था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
किसी दिन रियल में भी दिखाएंगे, किसी दिन रियल में भी दिखाएंगे भगवान ने चाहे तो। अब जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बॉयज, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।